जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और से जुड़े हुए सभी अस्पतालों में आज एक पौधा माँ के नाम योजना जो चालू करी है उसमें हमने पहला पौधा पहले ही लगाया था। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री मान वासुदेव नानी साहब ने शुरुआत की थी, अजमेर में पहला पौधा लगाया था। आज उसी के चरण में हमने आज दूसरा चरण में पौधे लगाए। पूरे जेएलएन परिवार की तरफ से आज वृक्षारोपण का काम का चालू किया है। हर डिपार्टमेंट हमारा एक पौधा लगाया है जिसको हर डिपार्टमेंट संरक्षण करेगा और मेडिसिन डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, डेंटल डिपार्टमेंट, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, ब्लड बैंक और सभी डिपार्टमेंट ने सहयोग करके चालू किया है। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट से एक पौधा जोड़ा गया है। और हम ये जो कार्यक्रम है, हम सारे रेजिडेंट्स, सीनियर रेजिडेंट्स, फैकल्टी सभी को एक पौधा एक माँ के नाम जोड़ना है। इसका अभियान के लिए हमने आदेश भी जारी कर दिए हैं। सब अपने एक पौधे के साथ सेल्फी खींच के अपलोड करेंगे, इसकी योजना को सफल बनाएंगे। जो हमारी सरकार का योजना है, ये पृथ्वी पे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकने के लिए अभियान चालू किया गया है और अपनी माँ को श्रद्धांजलि या अपने माँ को याद करने के लिए या माँ को अमर करने के लिए ये कार्यक्रम चालू किया गया है। तो ये कार्यक्रम में हम सब सदैव साथ हैं। एक पौधा माँ के नाम के साथ पूरी धरती पे पौधे उगाएं और यहाँ का डिटॉक्सिफिकेशन करें ताकि हम स्वस्थ सांस ले सकें। धन्यवाद। नेहरू चिकित्सालय में आज फैकल्टी मेंबर्स, हर डिपार्टमेंट ने अपने पौधारोपण में सहयोग करा। जैसे प्रिंसिपल सर ने बनाया कि एक पौधा एक वृक्ष माँ के नाम, माँ को याद करते हुए एक उनकी आत्मा को जो जीवित है उनको और जो देहांत हो गया उनकी आत्मा को याद करते हुए एक पौधा माँ को नाम करते एक लगाना है। और ये जिस फैकल्टी ने जो पौधा लगाया है उस पौधे को आगे उसको बढ़ता हुआ उसको देखना है, ग्रोथ करनी है। जो वायुमंडल के अंदर जितना भी पॉल्यूशन हो रखा है जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ रहा है। तो आज पूरे राजस्थान के अंदर ये पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है। हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स, रेजिडेंट, नर्सिंग स्टाफ, सीनियर रेजिडेंट सब लगा रखे। धन्यवाद। कितने पौधे लगाए आज? तो हमने अभी 11 पौधे लगाए आगे का और 11 तो बड़े गमलों में पौधे लगाएं, उसके अलावा करीब 100 पौधे हम अंदर लगाएंगे अभी इसमें। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और से जुड़े हुए सभी अस्पतालों में आज एक पौधा माँ के नाम योजना जो चालू करी है उसमें हमने पहला पौधा पहले ही लगाया था। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री मान वासुदेव नानी साहब ने शुरुआत की थी, अजमेर में पहला पौधा लगाया था। आज उसी के चरण में हमने आज दूसरा चरण में पौधे लगाए। पूरे जेएलएन परिवार की तरफ से आज वृक्षारोपण का काम का चालू किया है। हर डिपार्टमेंट हमारा एक पौधा लगाया है जिसको हर डिपार्टमेंट संरक्षण करेगा और मेडिसिन डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, डेंटल डिपार्टमेंट, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, ब्लड बैंक और सभी डिपार्टमेंट ने सहयोग करके चालू किया है। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट से एक पौधा जोड़ा गया है। और हम ये जो कार्यक्रम है, हम सारे रेजिडेंट्स, सीनियर रेजिडेंट्स, फैकल्टी सभी को एक पौधा एक माँ के नाम जोड़ना है। इसका अभियान के लिए हमने आदेश भी जारी कर दिए हैं। सब अपने एक पौधे के साथ सेल्फी खींच के अपलोड करेंगे, इसकी योजना को सफल बनाएंगे। जो हमारी सरकार का योजना है, ये पृथ्वी पे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकने के लिए अभियान चालू किया गया है और अपनी माँ को श्रद्धांजलि या अपने माँ को याद करने के लिए या माँ को अमर करने के लिए ये कार्यक्रम चालू किया गया है। तो ये कार्यक्रम में हम सब सदैव साथ हैं। एक पौधा माँ के नाम के साथ पूरी धरती पे पौधे उगाएं और यहाँ का डिटॉक्सिफिकेशन करें ताकि हम स्वस्थ सांस ले सकें। धन्यवाद।